चीन में अगले कुछ महीनों में 80 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एयरफिनिटी ने कहा कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद 21 लाख मौतें हो सकती हैं। एयरफिनिटी ने इसकी वजह चीन में कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी को बताया। चीन में संक्रमण के हालात 2020 की याद दिला रहे हैं। अस्पतालों में सभी बेड भर चुके हैं, मेडिकल स्टोर्स में दवाएं खत्म हो रही हैं, मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते देखे जा सकते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक मरीज 18 लोगों को संक्रमित कर रहा है। worldometer.info के डेटा के मुताबिक एक हफ्ते में दुनिया में कोरोना के 34,84,000 मामले सामने आए हैं। वहीं 9,928 लोगों की मौत भी हुई है। चीन में 7 दिन में 15,548 केस और 7 मौतें रिपोर्ट की गई हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स को आशंका है कि सही आंकड़ा छिपाया जा रहा है, मरीजों की संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है। भारत में 7 दिन में 1,081 मामले सामने आए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने राहुल गांधी से यात्रा रोकने की अपील की है। इसके लिए कोरोना महामारी बढ़ने का हवाला दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं, देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दें। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा तरह तरह के सवाल उठा रही है। उन्होंने पूछा, क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगाकर सारे प्रोटोकॉल मानते हुए घर घर गए थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर की सुबह पूरी हो गई। यहां पर उमड़ी भारी भीड़ से भाजपा और मोदी सरकार इतनी घबरा गई कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 20 दिसंबर को राहुल गांधी को राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने हेतु पत्र लिख रहे हैं। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।